वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज इन परफेक्टली फाइन। सो आप सोच रहे होंगे हम रेडी क्यों हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग जा रहे हैं अजमेर। इट इज ऑलरेडी 4 नाउ, तो फटाफट निकले क्योंकि 9 घंटे और। ये देखिए ये हमारे पार्टनर इन क्राइम। तो फटाफट अब जरा निकला जाए क्योंकि काफी लेट हो गई, नींद आ रही है। देखो ये ठीक है, रेडियो के यहाँ जा रहे हैं। पता नहीं ये 7 घंटे ऐसे बैठेंगे इन कैसे, बैठो कैसे 7 घंटे ऐसे। लेटर फेस बेकन, बस द गुड थिंग इज उसका एरर अब चला गया। आई होप कोई दिक्कत ना आए पूरी ट्रिप में, एरर ना आए भाई वापस। वो ठीक करवाया अभी। यस इट इज नॉट देयर फाइनली। टूर ऑपरेटर देखो इसको, देख लो पहले देखो ये हमें अभी से नींद आने लग गई। करते हैं जर्नी को स्टार्ट महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। ये छोटा सा पार्ट। यो फाइनली अब हम जाएंगे दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे पे एंड दिस इज आवर फर्स्ट। ओहो क्या कर रहे हो भाई साहब, जाने दो। कितने मच्छर मरे पड़े यार। अब तो वैसे दिल हो गया रात में जा रहा है। अब इसे करो सफाई। सो हम लोग हैं अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। तो आई थॉट ऑफ टेकिंग ए स्मॉल ब्रेक बिकॉज यार थोड़ा पैर स्ट्रेच भी करना है, और ये जो रास्ता होता है ना बिल्कुल सीधा, इतना बोरियत होता है, मच्छर ही मच्छर है भाई। इतना बोरियत वाला, इतना बोरिंग रास्ता होता है ना, नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। उसलिए आई थॉट ऑफ टेकिंग ए ब्रेक। गाड़ियों की स्पीड देखो आप, लगभग अजमेर लगभग 430 किलोमीटर का रास्ता था जब हम निकले थे घर से। 120 अभी वॉक कर लिया हमने लगभग 1.5 घंटे में, तो ठीक है। क्योंकि तो पहले जो हमने हाईवे तो हमने अच्छा खींच लिया, लेकिन उससे पहले वाला रास्ता जो था जहाँ पे मुझे पेट्रोल पंप ढूंढना था उसमें थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज ठीक है स्पीड ओके है। तो ये देखिए आप, हम एंटर कर चुके राजस्थान, और ये है राजस्थान की सुबह। एक 120 किलोमीटर के बाद मिला है ये एक पिट स्टॉप। यहाँ पे वॉशरूम और खाने के लिए भी है ऑप्शन। चार पांच जगह और नजर आएगा आप लोगों को बीच में, लेकिन आई बट मोस्ट ऑफ देम आर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ा सा टाइम से लग रहा है। लीटर, अरे थोड़ा हल्का कर दो पॉकेट, ज़्यादा हल्की करना। लेकिन भैया हम लोग कभी लगभग 40-45 किलोमीटर दूर हैं फ्रॉम अजमेर, ये एक बड़ा नुकसान होता है यार। अजमेर की गलियों में कल्पना यादव,
अपनी कल्पना यादव शर्मा। तो भाई साहब हमें एक बंधु मिल गए हैं, ये सो फाइनली वी हैव रीच अजमेर और अजमेर दरगाह से, अजमेर शरीफ दरगाह से हम लोग लगभग 500 मीटर की दूरी पे हैं। चूँकि पार्किंग बनी हुई यहाँ पे, अब एटलीस्ट पहले लास्ट टाइम जब हम आए थे तो पार्किंग इतनी पर्टिकुलरली बनी हुई नहीं हुई थी, लेकिन एक बंदा मिल गया, उसने मतलब पार्किंग वाली आदमी था, तो उसने देख लिया कि भैया बाहर से आए, नंबर गाड़ी का देख लिया था भाई साहब ने, तो उन्होंने यहाँ पर जाके छोड़ दिया। तो अब यहाँ से आएंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं सारे, हाथ मुँह धो रहे हैं, फ्रेश भी हो रहे हैं, तो उसके बाद अब निकलते हैं ज़रा दर्शन करके और फिर उसके बाद जाएंगे हम पुष्कर के लिए, क्योंकि हमने होटल वहीं पे बुक किया है और मैं थोड़ा थक गया था उसे लेटा हुआ था। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो इनको देखिए मैडम महालिंगम को, आए हाय। हाँ वो तो मुझे पता है, आया हूँ पहले भी बहुत बार। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं दरगाह पे, तुम नॉर्मल वाली ले लो। हाँ आ गया तू। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि घुटने से नीचे तक कवर होना ज़रूरी होता है, तो इसी कारण इनको लुंगी बनाई गई है, बिकॉज ये कच्चे में आए थे यहाँ पे। बच्चे को तो दक्षो भाई, पैर जल गए, पैर बहुत गर्म है, लेकिन बिल्कुल भी रश नहीं है, देखो बिल्कुल भी रश नहीं है। अच्छा आ जाओ भाई, यहाँ आओ, तू गिरना मत बस, हाँ यहाँ आ जाओ। तो हम जा रहे हैं अब जरा दर्शन के लिए, भाई पैर इतने गर्म हो रहे ना, दक्ष चलो सीढ़ी दो, सीढ़ी जहाँ से। हाँ क्या पकड़ू, नहीं नहीं तुम पकड़ो, रखो कपड़ो, कोई बात नहीं चलो। इस तरफ होती हैं कवाली होती हैं राइट साइड में, इधर फटाफट से हम माथा टेक के आपसे मिलते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। जी जामा मस्जिद है, ये शाहजहाँ बादशाह आए थे, उन्होंने बनवाई थी, ये फतेह साहब का जन्नती दरवाजा है, रही नमाज के आने जाने का रास्ता यही था, तो इनके जो पीर जो थे, गुरु थे ख्वाजा उस्मान हरवानी, अच्छा। उन्होंने इसे जन्नत की जगह लकब दिया, जिस आदमी के अंदर इतना पैसा की ताकत नहीं है कि वो घूम नहीं जा सके, तो उसके खुलने पर वो सात तवाब सात तकम्बे लगाता है, तो उसे एक अच्छा सवाब मिलता है, ये साल में चार मरतबा खुलता है, ईद के अंदर, ईद उल फितर में, ईद उल अज़हा में, अच्छा। और अपने बाबा साहब के पीर साहब को सौंपा, ईरान में एक शहर है सिंजर, ख्वाजा साहब वहाँ के रहने वाले, अच्छा। दरबार को बने हुए आज 850 साल हो चुके हैं ख्वाजा साहब की बारगाह, अच्छा। और ये ताली क्यों बनते हैं यहाँ पे, ये भाई मन्नत के ताले होते हैं, अच्छा। ये ऊपर 60 kg सोने का कलश है, ये रामपुर के नवाब की औलाद भी थी, तो उसने बाबा साहब से मुराद मांगी थी कि मेरा औलाद होगी तो मेरी जो हैसियत है दरबार में पेश करूँ,
उसको 80 साल की उम्र में जाके औलाद हुई। अच्छा, उसने 50 साल से 50 किलो का सोने का ताज जाके चढ़ाया। ये औलिया मस्जिद है, जब फादर साहब अजमेर आए थे तो सबसे पहले यहीं आके बैठे थे, उसके बाद अपने उजरे में अंदर कमरे में आए थे। ये इधर के अंदर संदली मस्जिद है, जब सरकार का पुराना वक्त था तो संदल जो मजार पे जाता है वो यहीं कूटा जाता था। ये सामने देख रहा हूँ, ये गई नवाज की बीवियों के मजार है, ये सामने है। ये बेचारा छाया में कूदे जा रहा है। ये वाला सामने होता ना, हाँ मैं एक बार आया हूँ यहाँ पे, लंगर खाना है। सरकार जो अपनी ज़िंदगी में जो का दलिया खाते थे वही होता है, सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे दो मरतबा बांटा जाता है। फोन गिर गया स्क्रीन पर, तू चला नहीं है। नवाब हैदराबाद आबादी फैमिली जो उन्होंने बनवाया था ये वाला, ये वाला अच्छा। दर्शन अच्छे हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं पुष्कर की तरफ। एक बार जरा फटाफट पुष्कर पहुंचते हैं, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से।